For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. दोस्तों हर बार काल कोठरी की सजा जब घर में आती है तो सभी कंटेस्टेंट जो है वो मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन उल्टी है क्योंकि बिग बॉस का फिनाले बहुत नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में ट्विस्ट आना डेफिनेटली बनता है और ऐसे में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आया है कि काल कोठरी की सजा की जो भी डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीसंत के हाथ में है। यस, यानी श्रीसंत डिसाइड करेंगे कि कौन इस बार काल कोठरी की सजा भुगतेगा। जैसा कि कल के टास्क में बिग बॉस ने साफ साफ कहा भी था कि जो भी विनर टीम होगी उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा काल कोठरी के डिसीजन के टाइम पे, और वही बेनिफिट दिखाते हुए बिग बॉस ने सारी चाबी जो है काल कोठरी के कंटेस्टेंट्स की वो दे दी है श्रीसंत के हाथ में। अब ऐसे में देखना ये होगा कि श्रीसंत किसको काल कोठरी भेजते हैं, जहाँ पर श्रीसंत ये वियर्ड डिसीजन लेते हैं कि वो सुरभि को सुरभि को साथ ही साथ दीपक को इन तमाम लोगों को जो है काल कोठरी की सजा के पात्र मानते हैं। तो ऐसे में सुरभि उन पर जाकर उनसे अपील करती हुई नजर आती है कि प्लीज डिसीजन आप सोच समझ के लीजिए। साथ ही साथ केवी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि कि पर्सनल ग्रजेस मत निकालिए, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कौन लगता है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन कल घर में बनी थी। ऑफकोर्स जो रेड टीम थी यानी जो श्रीसंत के दोस्त हैं वो तो ऑफकोर्स सेव ही हैं, बिकॉज श्रीसंत ऑफकोर्स उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बेनिफिट कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक बिग बॉस खेल गए हैं इस बेनिफिट के साथ। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है श्रीसंत इस पावर का यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं और किसको काल कोठरी में डालते हैं और किसको बचा लेते हैं। इस पर बहुत गहरा असर इस बात का भी पड़ेगा कि इस बार कौन नॉमिनेट होने वाले हैं या कौन कौन नॉमिनेटेड हैं। सो देखते रहिए बिग बॉस, साथ ही साथ देखते रहिए हमारा चैनल। एंड ये आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। साथ ही साथ श्रीसंत आपको इस टाइम पे विलेन लग रहे हैं घर के या हीरो लग रहे हैं, वो एज अ हीरो प्ले कर रहे हैं या एज अ विलन प्ले कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। इसके आंसर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।